फ्रेंड्स आप लोग प्रीव्यू देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का स्टेटस कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मिशन तो उस एल्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको उसका मोड वर्जन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए हम वहाँ पर पिन करके रखते हैं आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए तो फ्रेंड्स और इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज हुआ है सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा हाँ फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक तो पहुंचे फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेगा एक बीट मार्क प्रोजेक्ट और एक से एक इफेक्ट प्रोजेक्ट तो आपको उस दोनों लिंक को वहाँ से इम्पोर्ट लेंगे अपने लाइट मोशन में तो इम्पोर्ट करने के बाद आ जाएंगे हम अपने लाइट मोशन के होम स्क्रीन पर तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लाइट मोशन के होम स्क्रीन पर फ्रेंड्स अब हम अपने यहाँ से प्रोजेक्ट पे आएंगे प्रोजेक्ट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से जो लिंक इंपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा तो हम अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारा बीट मार्क प्रोजेक्ट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से प्लस पे टाइप करेंगे मीडिया पे टाइप करके इसमें फोटो को ऐड करेंगे तो फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ से फोटो पर टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके फिल का हम एरिया कर लेंगे हमारी फोटो ऐड हो चुकी है अब इसको इधर उधर एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आएंगे फिर यहाँ से फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट बीट है यहाँ तक आके फोटो को बराबर कर लेंगे फ्रेंड्स अब हमारी फोटो यहाँ तक ऐड हो चुकी है फिर इसके बाद जो ये वीडियो लेयर मतलब ग्रुप लेयर है इसको हम छोड़ देंगे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बीट है यहाँ पर हम अपनी फोटो को ऐड करेंगे तो यहाँ से प्लस पे टाइप करेंगे मीडिया पे टाइप करके जो हमारी नेक्स्ट फोटो है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से थ्री डॉट पर टाइप करके फिल कम्पोजीन एरिया करके फोटो को फुल स्क्रीन कर लेंगे फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट बट जो हमारी है यहाँ तक इस फोटो को कट कर देंगे कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अपनी सभी फोटो को ऐड करेंगे यहाँ तक यहाँ तक पूरी अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे तो चलते हैं अपनी फोटो को यहाँ पर पूरा ऐड कर लेते हैं आप लोग भी अपनी फोटो यहाँ पर ऐड कर लीजिए तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने सेक इफेक्ट तो प्रोजेक्ट में तो यहाँ से सेकंड इफेक्ट को हम लोग कॉपी करेंगे तो यहाँ से फोटो पे टाइप करके इफेक्ट टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा सेकंड इफेक्ट भी कॉपी हो चुका है अब इसके बाद हम बैक चलेंगे अपने सेक सॉरी तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा सेकंड इफेक्ट था वो नौ पच्चीस से स्टार्ट है तो हम नौ पच्चीस पर आ जाते हैं फ्रेंड्स ये नौ पच्चीस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम नौ पच्चीस आ चुके हैं तो यहाँ से हमारा सेकंड इफेक्ट लगेगा तो फोटो पे टाइप करके इफेक्ट पे टाइप करके डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे इसी प्रकार फ्रेंड्स हम यहाँ पर चार फोटो पे लगाएंगे सिर्फ चार फोटो पर तो यहाँ से चारों यहाँ से देख दो तीन चौथी फोटो यह है यहाँ तक अपनी इफेक्ट को लगाएंगे फ्रेंड यहाँ पर चारों फोटो पर सेकेंड इफेक्ट लगाने के बाद हम नेक्स्ट आगे चल के लगाएंगे सत्रह तो यहाँ से सत्रह पे आ जाते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं इस सत्रह पॉइंट वन तक तो यहाँ से हम अपने सेकेंड इफेक्ट वही यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से फोटो पर टाइप करके इफेक्ट पर टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो जो हमारा वो सेकेंड इफेक्ट उधर चार फोटो पर लगेगा इधर भी चार फोटो पर ही लगेगा तो यहाँ से चारों फोटो पर हम लोग यहाँ से सेकेंड इफेक्ट को लगा लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग लगाएंगे सत्रह पॉइंट पच्चीस यहाँ तक जो सत्रह पॉइंट पच्चीस है यहाँ तक हमारा चौथा इफेक्ट लगेगा सिर्फ चार फोटो पे इसके बाद हम बैक चल के अपने नेक्स्ट इफेक्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से तो हम आ गए अपने सेक एफेड प्रोजेक्ट में सेक फेयर प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा तीसरा वाला इफेक्ट है इसको हम कॉपी करेंगे फोटो पे टाइप करके इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे फिर आगे से बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद सॉरी दस पॉइंट उन्नीस दस पॉइंट उन्नीस पे आएंगे तो हम बीट मार्क प्रोजेक्ट में आके यहाँ से दस पॉइंट उन्नीस तक आ जाते हैं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दस पॉइंट उन्नीस पे हम आ चुके हैं यहाँ से फिर अपने फोटो पे टाइप करेंगे इफेक्ट टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो तीसरा वाला इफेक्ट है यहाँ पर लग जाएगा आप लोग देख लीजिए यहाँ से तीसरा वाला इफेक्ट हमारा लग चुका है तो हमारा तीसरा वाला वाला इफेक्ट सोलह पॉइंट इक्कीस तक लगेगा तो हम सोलह पॉइंट इक्कीस तक लगा लेंगे तीसरा वाला इफेक्ट आप लोग भी सोलह पॉइंट इक्कीस तक लगा लीजिएगा अपना तीसरा वाला इफेक्ट तो यहाँ तक हमारा तीसरा वाला इफेक्ट लगेगा जो हमारा सेकंड इफेक्ट लगा था उसके पहले तो हमारा यहाँ तक तीसरा इफेक्ट लग जाएगा इसके बाद हम बैग चल के अपने चौथे इफेक्ट को कॉपी करेंगे तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं से फिर प्रोजेक्ट में तो हमारा चौथा इफेक्ट है यहाँ से फोटो पर टाइप करके इफेक्ट पर लगाएगा थ्री डॉट पर टाइप करके कॉपी इफेक्ट करेंगे तो हमारा चौथा इफेक्ट कॉपी हो चुका है अब यहाँ से हम बैक चलेंगे अपने बट मार्क प्रोजेक्ट में तो यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे तो जो हमारा चौथा इफेक्ट है वो सत्रह से स्टार्ट होगा तो सत्रह पॉइंट हम लोग आ जाते हैं जहाँ तक आप लोग ने तीसरा लगाया था उसी के बाद हमारा चौथा लगेगा तो यहाँ तक सत्रह पॉइंट तक आ जाते हैं तो हम सत्रह पॉइंट पच्चीस पे आ गए हैं इसके बाद जो हमारी ये फोटो है इस फोटो पर टाइप करके इफेक्ट पर टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा चौथा इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है फ्रेंड्स इसके बाद हम अपना पांचवां इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ से बैक चलेंगे अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो यहाँ से जो हमारा पांचवां इफेक्ट है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से फोटो पे टाइप करके इफेक्ट करके थ्री डॉट पर टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा पांचवां इफेक्ट कॉपी हो गया अब यहाँ से बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा पांचवां इफेक्ट है उसी के बाद नेक्स्ट लगेगा अट्ठारह पॉइंट उन्नीस जहाँ सत्रह पॉइंट पच्चीस तक आप लगाए थे चौथा वाला उसके बाद पाँचवां हमारा अठारह पॉइंट उन्नीस पर लगेगा तो हम अठारह पॉइंट उन्नीस पर लगा लेते हैं आप लोग देख सकते हैं अठारह पॉइंट उन्नीस पे आ चुके हैं फिर यहाँ से नेक्स्ट फोटो पर टाइप करके इफेक्ट टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा पाँचवां इफेक्ट भी यहाँ से लग चुका है अब इसके बाद हम आप इफेक्ट को लास्ट इफेक्ट को लगाएंगे तो यहाँ से बैक चलेंगे अपने सेक इफेक्ट सॉरी बीट मार्क सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो हम आ चुके हैं यहाँ से अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के आने के बाद यहाँ से जो हमारा लास्ट इफेक्ट है उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से इफेक्ट टाइप करके थ्री डॉट पर टाइप करके कॉपी इफेक्ट फिर यहाँ से बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है वो बीस पॉइंट सात से स्टार्ट होगा तो हम बीस पॉइंट हैं फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ से बीस पॉइंट सात पर तो बीस पॉइंट सात से हमारा वो इफेक्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ से फोटो टाइप करके इफेक्ट टाइप के थ्री डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है वो भी देख सकते हैं यहाँ से कुछ लग चुका है तो अब इसके बाद नेक्स्ट फोटो पर भी हम इसी प्रकार लगाएंगे तो इफेक्ट टाइप के थ्रेड टाइप करके पेस्ट इफेक्ट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट फोटो भी ये वाला इफेक्ट लग चुका है फ्रेंड्स एक फोटो के बाद दूसरी फोटो पर आप लोग यहाँ से इफेक्ट पर आके कर यहाँ से इलेक्ट्रिक एज को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार आप नेक्स्ट फोटो पर भी यहाँ से इफेक्ट वाले यहाँ से लगाएंगे फिर उसके बाद जो दूसरी फोटो इसके बाद लगाएंगे उसके बाद यहाँ से इफेक्ट पर आके इसको इलेक्ट्रिक गैस को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स इस इफेक्ट को हम लोग यहाँ से पच्चीस पॉइंट तेरह तक लगा लेंगे तो यहाँ से इसी उसी प्रकार से आपको फोटो पे टाइप करके इफेक्ट पर टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पे कर पेस्ट इफेक्ट करना है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाली फोटो है उस फोटो पे हम लोग इलेक्ट्रिक एज को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक एज को ऑफ कर देंगे एक फोटो पर इलेक्ट्रिक एज रहेगा एक फोटो पर नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स अब हमारा इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ग्रुप लेयर था तो हम उस ग्रुप लेयर को देख लेते हैं तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने ग्रुप लेयर पर तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए हमारा ग्रुप लेयर कुछ इस प्रकार था तो फ्रेंड्स इसको हम पहले ऑफ़ किए थे तो इसको ऑन कर लेते हैं तो आप लोग देख लीजिए हमारा ग्रुप लेर यहाँ पर इस प्रकार है तो अब हम इसमें फोटो को कैसे ऐड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम बैक चलेंगे बैक आने के बाद यहाँ से प्लस पे टाइप करेंगे फिर यहाँ से नाइन इंटू सोलह करिए सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे फिर यहाँ से प्लस पे टाइप करके मीडिया पर टाइप करके आपको यहाँ से अट्ठारह फोटो को सेलेक्ट कर लेना है वन वी वन मतलब पारी पारा तो यहाँ से फोटो पे टाइप करेंगे इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डाइपे टाइप करके फिर कंपोजिशन ये कर लेंगे यहाँ से फिर फोटो को यहाँ से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहाँ से फोटो को एडजस्ट कर लिया हमने अब इसके बाद यहाँ से जो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से करंट फ्रेम एस पी एन जी करंट फ्रेम एस पी एन जी पर आ यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पी एन जी पे एक्सपोर्ट हो गई है तो अब इसके बाद हम सेव करके यहाँ से फिर अपने फोटो नेक्स्ट फोटो को हम लोग यहाँ से इसी प्रकार ऐड करेंगे तो अट्ठारह फोटो को आपको नाइन इंटू सोलह के रेशियम में आपको बना लेना है फ्रेम एस पी एन जी तो अट्ठारह फोटो बनाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से अपने वही ग्रुप लेयर में आ जाएंगे तो फ्रेंड्स हम इस ग्रुप को यहाँ से प्रेस करके यहाँ सब से सबसे पहले इसको ऊपर कर लेंगे तो यहाँ सब से सबसे पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ से हम ऊपर कर लिए इसके बाद इस ग्रुप पे आने के बाद यहाँ से जो हमारी बीट है इस नेक्स्ट वाली बीट पे आके यहाँ से ग्रुप पे टाइप करके यहाँ से इसको कट कर लेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट बीट पर आके इसको हम कट कर लेंगे इसी प्रकार से अभी जितनी बीट है उतना भाग हम इसमें कट कर लेंगे तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं तो फ्रेंड ग्रुप को कट करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा आप लोग यहाँ से देख लीजिए इस प्रकार दिखेगा तो अब इसमें हम अपनी फोटो को ऐड करेंगे तो फोटो को कैसे ऐड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप पे आ जाएंगे यहाँ से मतलब फिर यहाँ से इस पर टाइप करेंगे फिर यहाँ से कलर एंड फिल पर जाके यहाँ से फिर यहाँ से इस पर टाइप करके फिर उसके बाद आप नाइन इंटू सोलह वाली फोटो जिस फिस एल्बम सॉरी जिस फोल्डर में रखे होंगे उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा इस फोल्डर है तो इस फोल्डर में हमारी फ़ोटो है तो फ्रेंड्स हम अब इसमें फोटो को ऐड करेंगे तो फोटो को आप कैसे ऐड करेंगे यहाँ से इस पर ग्रुप पर टाइप करके यहाँ से फिल एंड सॉरी कलर एंड फिल पे आ कर यहाँ से फोटो पे टाइप करेंगे तो यहाँ से जो जिस भी फोल्डर में आप नाइन इंटू सोलह के रेशियो के वाली फोटो रखे होंगे उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो हम इसमें नाइन इंटू सोलह रेशियो वाली फोटो लगाएंगे तो हम नाइन इंटू सोलह वाली रेशियो यहाँ से फोटो को पहले सेलेक्ट करेंगे तो हमारी फोटो कुछ इस प्रकार है नाइन इंटू सोलह रेशियो की तो यहाँ से हम फोटो पर टाइप करेंगे प्लस पर टाइप करेंगे तो हम ऑटोमेटिक हमारे यहाँ से फोटो लग गई है आप लोग देख लीजिए यहाँ से हमारा फ़ोटो लग चुका है फिर नेक्स्ट बिट पे भी हमारी फ़ोटो इसी प्रकार लगेगी कलर एंड फील्ड पे आके इस पे टाइप का स्टार वाले ऑप्शन पे फिर यहाँ से नेक्स्ट फोटो पे हम लोग आके प्लस कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा जो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये ग्रुप यहाँ से काम कर रहा है अब हम लोग देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अब जितनी भी फोटो इसमें है जितने भी पार्ट है बचे हैं सभी पे आप लोगों को इसी प्रकार फोटो ऐड कर लेनी है तो ऑटोमेटिक से आपका यहाँ से इफेक्ट पूरा लग जाएगा तो आप लोग पूरा लास्ट तक अपने फोटो को ऐड कर लीजिए